दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंच मोल्ड के बारे में। दोस्तों ये बीमारी जो है, इसके लक्षण क्या क्या है, इसका इलाज क्या है और ये किन कारणों से होता है, इस वीडियो में मैं आपको जो है पूरी इसकी जो है जानकारी डिटेल में दूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। दोस्तों देखिए, फ्रेंच मोल्ड जो है एक ये जेनेटिक जो है तरह से जेनेटिकल डिसऑर्डर है आपकी बर्ड में। और इसके लक्षण क्या है दोस्तों, तो देखिए अगर आपकी जो बर्ड जनरली ये छोटे जो चिक्स होते हैं और इसके लक्षण जो छोटे चिक्स में ही दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे जैसे बर्ड बड़े होते हैं तो भी आपको दिखने जो क्लियर कट ये दिखने लगते हैं। गाइस जब भी देखिए चिक जो है आपकी जो चिड़िया के बच्चे है चूजे जो जो चिक्स होते हैं वो जब बाहर निकलते हैं अंडे से तो उनकी बॉडी पर जो है फेदर्स नहीं होते हैं और जैसे जैसे वे बड़े हो जाते हैं तो स्लोली उनकी बॉडी में फेदर्स जो पहले वो नेल फेदर्स निकलते हैं उसको धीरे धीरे वो फेदर्स जो है पिन फेदर्स जिसे कहते हैं वो धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। बट अगर गाइस अगर आपकी बर्ड को जो है ये बीमारी है, फ्रेंच मोल्ड की बीमारी है, तो उसके बॉडी में दोस्तों फेदर्स ग्रो नहीं होंगे। धीरे धीरे आपका चिक जो है बड़ा हो जाएगा, एक महीने डेढ़ महीने दो महीने का, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में दोस्तों फेदर ग्रो नहीं होंगे। अगर उसके अंदर जो है ये डिफॉर्मिटी या ये बीमारी जो है ज्यादा ही गंभीर रूप से है तो उसके बॉडी में बिल्कुल भी फेदर्स ग्रो नहीं होंगे। वो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं पूरी बॉडी जो है एकदम साफ रहेगी बिल्कुल, भले आपका चिक जो है पूरी तरह ग्रो हो रहा हो, बाकी डेवलपमेंट उसके शरीर में हो रहे होंगे लेकिन उसके फेदर्स नहीं ग्रो होते हैं। इसके जो है दूसरे तरह के भी जो है कुछ चिक्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ चिक्स में जो है ग्रो होंगे फेदर्स लेकिन बहुत ही अनइवन होंगे, पैचेस में होंगे, जैसे कहीं जो है कहीं ग्रो हुआ विंग्स में हुआ, चेस्ट पे छूट गया, बैक पे छूट गया या उसके जो है टेल के फेदर्स ग्रो ही नहीं हुए। तो दोस्तों ये जो है ये लक्षण जो है फ्रेंच मोल्ड के हैं। अब इसके का जो है बात करते हैं दोस्तों, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों फ्रेंच मोल्ड के मेनली तीन ही कारण जो है होते हैं। जो सबसे पहले जो कारण होता है दोस्तों वो है एक्सेस ब्रीडिंग। अगर आप अपनी बर्ड से जो है बहुत ही एक्सेस ब्रीडिंग ले लेते हैं, जैसे आपने जो है एक सीजन ब्रीड लिया उसके बाद फिर दोबारा जो है जैसे ही बच्चे बड़े हुए नहीं तब तक दूसरी बार ब्रीडिंग ले लिए, तीसरी, जब आप एक्सेसिव ब्रीडिंग करने लगते हैं बर्ड से तो जो बर्ड का जो सिस्टम होता है वो अपनी पूरी स्टेमिना खो देता है और वो पूरी तरह से जो है या बच्चे या जो एग को उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाता है कि आने वाले जो चिक्स है वो पूरी तरह हेल्दी रहे, पूरी तरह फिट रहे। तो ये एक कारण हो सकता है दोस्तों फ्रेंच मोल्ड का। जो दूसरा रीजन है दोस्तों वो होता है कैल्शियम मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स की कमी से। दोस्तों अगर आप आपकी बर्ड जो है आप उनसे ब्रीड रेगुलर लेते रहते हो और अगर आप उन्हें जल्दी ब्रीड पे लगा देते हो या अगर आप उनके जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे जो बर्ड ज्यादा ब्रीड करती है उनके जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, मल्टीविटामिन और बाकी जो सप्लीमेंट्स होते हैं इसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत होती है। तो अगर आप अपनी बर्ड को जो है सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो होती है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हो तो भी आपके बर्ड्स में ये डिफेक्ट जो है देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जो तीसरा कारण होता है वो होता है वीक ब्लड लाइन। दोस्तों अगर देखिए अगर आप जो है कोई भी वीक ब्लड लाइन या जो वीक इनलाइन ब्रीडिंग होती है ये भी एक कारण होता है फ्रेंच मोल्ड के लिए। अगर आप जो है कोई भी दो बर्ड की ब्रीडिंग कर रहे हैं और अगर इनके जो चिक्स निकलते हैं उन चिक्स का फिर दोबारा आप उन्ही चिक्स में से जोड़ा लगा के फिर उनसे ब्रीड करते हैं तो दिक्कत ये होती है कि जैसे जैसे आप एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जनरेशन में जाते हैं तो हर जनरेशन में कोई ना कोई कमी या बीमारी या डिफेक्ट होता है, वो पास ओवर होते जाता है और धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मल्टीप्लाई होती जाती है। इससे होता क्या है, जैसे ही दूसरा या तीसरा जनरेशन जब उसका आता है तो ब्लड लाइन पूरी तरह वीक हो जाती है और वो बीमारी जो है हावी हो जाती है। तो ये बीमारी दूसरे या तीसरे जनरेशन में जो है वो जो डिफॉर्मिटी या जो दिक्कत होती है वो हावी होकर जो है बच्चों में इसका असर साफ दिखने लगता है। तो ये भी एक कारण है दोस्तों कि जो वीक ब्लड लाइन है और इनलाइन ब्रीडिंग होती है ये भी एक कारण है फ्रेंच मोल्ड के लिए। उसके बाद गाइस जो चौथा कारण है, अगर आप वीक या बीमार बच्चों का जो है बीमार बर्ड्स में पेयरिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है बीमार बर्ड्स की अगर आपने पेयरिंग की हुई है तो बीमार आपके जो चिक्स निकलेंगे वो भी बीमार होंगे और धीरे धीरे उनसे ये बीमारी जो है आने वाली जनरेशन को पास ओवर होती रहेगी। अब इसका इलाज क्या है दोस्तों, देखिए फ्रेंच मोल्ड का तो अभी तक ऐसा कोई इलाज है नहीं, तो इसका सबसे बेस्ट यही है कि दोस्तों अगर आप जो है जब भी अपने पास बर्ड्स रखते हैं तो उनसे एक्सेस ब्रीडिंग ना कराया करें
और जो भी अगर आपने बर्ड से ब्रीड लेने हैं तो जब तक वो एडल्ट ना हो तो उनसे ब्रीड ना लें, और ब्रीडिंग से पहले आप उनको जो मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, ये सब जो उनकी सप्लीमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ये भरपूर मात्रा में दें। और इनलाइन ब्रीडिंग कभी मत करिए दोस्तों, इनलाइन अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की है तो फिर उसमें जो है कहीं ना कहीं से जो है दूसरे बाहर से या दूसरे जो उस फैमिली से ना बिलोंग करती हो वैसे बर्ड को लाइए और उससे जो है इनकी जो है क्रॉसिंग कराइए, जिससे कि इनका ब्लड लाइन स्ट्रांग हो और ये दिक्कत आगे ना, दिक्कत मतलब आने वाले आपके जो बर्ड से उसमें ना आए। तो इनलाइन ब्रीडिंग को भी दोस्तों आप अवॉइड कीजिए। होप दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी आपको अच्छी लगी हो, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।